मोरवी टेक्निकल ट्रिक में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक हिटाची का एसी है, आज हम इसकी सर्विस करेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इस एसी को हमने नीचे उतार लिया है। अब ये एसी है और ये इसकी कूलिंग कॉइल है, ये इसकी पावर डिस्प्ले है। अब इसकी बॉडी के पार्ट को हम ओपन करेंगे, इसके ये पेज खोलेंगे। इस पेज को बड़ी सावधानी से खोलिए। हमारी वीडियो से बने रहें और हमारी वीडियो को अंत तक देखें। हम इस एसी में एक एक चीज़ आपको बताएंगे ताकि आप अपने घर पे आराम से एसी की सर्विस कर पाएंगे। बड़े बारीकी से एक एक करके सारे पेज को हम खोलेंगे, उसके बाद इसके कवर को ओपन करेंगे और एक एक चीज़ बताई जाएगी आपको। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना। और वीडियो अच्छी लगने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तो इसलिए हमारी वीडियो को पूरे अंत तक देखें और इसमें एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी, इसलिए वीडियो को मिस नहीं करना है, वीडियो अंत तक देखना है। जो भी काम करें आप पूरी सावधानी से करें। अब हमने सारे पेजेस के खोल दिए हैं, अब इस कवर को हम ओपन करेंगे और बड़े सावधानी से इस कवर को ओपन करना है आपको। देखो हाथों में चोट ना लगे और बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्यार से इसको ओपन करना है और इसको हटा के रखना है। इस पे देखो डस्ट बहुत है, इसको आराम से रखना है, साइड में रख दीजिए। अब इसकी कूलिंग कॉइल है और ये इसका कंप्रेशर है, जैसा कि हमने आपको बताया था। इसकी जो मोटर है इसको हमें कवर करना है, इसका हमेशा ध्यान रखें, इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, इसको पूरा अच्छी तरह कवर करना है, इसको बचा के रखना है। और जो आगे की ये डिस्प्ले है इसको भी पूरा कवर करना है, इसमें भी पानी नहीं जाना चाहिए। अब इसकी पावर डिस्प्ले है, इसको हम अच्छी तरह कवर करेंगे ताकि इसमें पानी ना जा पाए। वॉश करते समय पानी बिल्कुल भी अंदर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम इसको प्रॉपर इसकी पैकिंग टाइप में बिल्कुल अच्छे से करेंगे इसकी, उसके बाद ही फिर वॉश करेंगे। एक एक करके बिल्कुल क्लीन करना है इसको, बिल्कुल बारीकी से इसमें, और ये प्रेशर का पानी से आएगा तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। कभी कभी डस्ट ज़्यादा होता है तो आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी अगर अच्छा प्रेशर है तो ये बिल्कुल डस्ट इसका क्लीन हो जाएगा। बिल्कुल सावधानी से अच्छे से इसको क्लीन करिए। जैसे कि इसकी ये कंडेंसर है, इसका इसको हम अच्छे से कूल करेंगे। दिखा
हमने इसकी क्लीनिंग कर ली है पूरी कंडेंसर की। अच्छे से इसको प्रेशर पे बिल्कुल क्लीन करना है ताकि इसमें मिट्टी ना रह जाए। कंप्रेसर भी हम धो सकते हैं मगर इसके टर्मिनल है उसमें पानी ना जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने इसकी वॉशिंग कर दी है, अब इसकी हम कवर को अच्छे से टाइट करेंगे। एक एक करके बारीकी से सारे पेज इसमें टाइट करें ताकि लूज ना रह जाए। जैसा कि आपने देखा हमारी वीडियो में इतना कुछ मुश्किल नहीं है, आप अपने घर पे आराम से इसकी एसी की सर्विस कर सकते हैं। अब इसका कवर पूरा अच्छी तरह से टाइट हो चुका है, अब इस एसी को हम वॉल में फिट करेंगे। जैसे कि हमने इसको फिट कर दिया है, इसका हम कवर लगा रहे हैं। कवर को बिल्कुल अच्छे से लगाना है, ये बल्कि हटा के बिल्कुल पेट्रोल लूज ना रहे ताकि ये भी चलने पे आवाज़ ना आए। ये इसका फिल्टर है, हमने इसको क्लीन कर दिया है पूरा। अब इसको हम ये एसी का फिल्टर है, इसको हमने बिल्कुल क्लीन कर लिया है, अब इसको हम लगाएंगे। ये इसका फिल्टर हम बार बार आप साफ करते रहें, इससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसका ऊपर का कवर लगाएंगे। देखिए दोस्तों इसकी पूरी सर्विस हो चुकी है, हम इसको हम चालू करके देखेंगे। इसका कंप्रेसर ऑन करके नहीं हवा आती है। देखिए हमारा एसी ऑन हो चुका है और अब देखिए कंप्रेसर भी ऑन हो चुका है इसका, अभी कूलिंग अच्छा कर रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब